क्या आप जानते हैं कि जो प्राचीन रोम था वहां पर जो दास महिलाएं थी, उन महिलाओं के लिए या उन बच्चों के लिए जो दास थे, जिस तरह से कि एक सब्जी मंडी है, सब्जी में वहां पर सब्जियां बिकती हैं, वैसे मंडी उनके लिए हुआ करते, दास महिलाएं बच्चों के लिए जहां वो मंडी लगती थी, उन्हें लाया जाता था और बेचा जाता था, वो दास महिलाओं, महिलाओं को बेच दिया जाता था, बच्चों को बेच दिया जाता था, और उन्हें धनी लोग खरीदते थे, उनकी बोलियां लगती, वो अपने स्वच्छता से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो दास, उन दास महिलाओं को जैसे ही वो बड़ी होती थी, ये जवान होती थी, उन्हें दूसरों के हाथ बेच दिया जाता था। अब उनका मालिक उनसे जो करवाए वो करते, वेश्यावृत्ति के लिए बेची जाती दास, और वही वेश्यावृत्ति में जाती, उनके साथ शोषण होता। इस वीडियो में बात करेंगे दास महिलाओं की और आखिर प्राचीन जो ये साम्राज्य था किस तरह से, कितना क्रूरता थी उस प्राचीन में। कहते हैं ना कि ये हमारे इतिहास में सदियों से जो मजलूम, जो गरीब, जो मजलूम बेचारे मजबूर महिलाएं और बच्चों का ही शोषण होता आया, अगर हम गुलामों की बात करते हैं तो प्राचीन रोम में समाज का एक व्यवहार था, थी वो इतनी क्रूरता ही उसे कह सकते हैं, और सिर्फ प्राचीन में रोम में ही नहीं थी, पूरी दुनिया में दासों की प्रथा शुरू हुई है, चाहे भारत हो या कोई भी देश, हर देश में गुलाम रहे, दास बनाए गए, गुलाम बनाए गए। तो ऐसा माना जाता है कि कभी कभी गुलाम रोगों की जो रोम है वहाँ की आबादी का तिहाई हिस्सा होते गुलाम बनाए गए, तो उन्होंने रोमन जीवन के लगभग हर क्षेत्र में कर्तव्यों का पालन किया, जिसमें कृषि, शहर, घरेलू यहाँ तक की बड़ी इंजीनियरिंग परियोजनाएं और शहरी घरानों में वो शामिल होते थे। तो इस प्रकार प्राचीन रोम की जो सभ्यता है वो अपनी सफल और समृद्धि का एक बड़ा हिस्सा गुलाम बनाए गए जबरन सेवा के कारण ही प्राप्त करती है। लेकिन गुलाम रोमनों का जो जीवन है वो वास्तव में कैसा था, क्यों था और क्यों गुलाम बनते थे, तो प्राचीन रोम में गुलामी की जो व्यवस्था कैसे काम करती थी और साम्राज्य भर में गुलाम रोमनों के लिए इसका क्या मतलब, क्यों बनाए जाते थे गुलाम, अगर इसकी बात की जाए तो प्राचीन रोम में दास, जो दास प्रथा थी बहुत व्यापक, रोमन साम्राज्य में दास प्रथा बहुत प्रचलित थी, जो कि रोमन साम्राज्य में एक स्वीकृति और व्यापार प्रथा थी। ऐसा माना जाता था कि 200 ईसा पूर्व से और 2000 ईस्वी के बीच जो रोमन साम्राज्य है वो लगभग एक चौथाई और का जो आबादी है तिहाई वो दासों की, और रोमन नागरिकों को गुलामी की जो आजादी छीनने के लिए कई तरह से मजबूर किया जाता था, उन्हें गुलाम बनाया जाता, विदेशों से उन्हें खरीदा जाता था, रोमन नागरिकों को समुद्री तटों से द्वारा छीन लिया जाता था और घर से दूसरे गुलामी में धकेल दिया जाता था, जैसे कि कर्जदारों ने खुद को गुलामी में बेच दिया हो, कि उन्होंने कर्ज लिया, उन्होंने अपने आप को बेचा, या अन्य गुलाम जैसे कि शायद किसी गुलामी में पैदा हुए थे, गुलामों का बच्चा अगर पैदा होगा तो उसे भी गुलामी माना जाता था, उसे आजाद नहीं माना जाता था प्राचीन समय में, इस तरह से जो गुलामों की संख्या थी वो बढ़ती जा रही थी, जिन्हें कैद किया जाता था उन्हें भी गुलाम बनाया जाता था और गुलाम लोगों की जो उन्हें जो गुलाम लोग उन्हें संपत्ति माना जाता था उन्हें प्राचीन दुनिया भर के गुलाम बाजारों में खरीदा और बेचा जाता था, अन्न बेचे जाते या अन्य तरह के सामान बेचे जाते, उसी तरह से इंसान भी बेचे जाते और उनके मालिकों द्वारा धन के संकेत के रूप में परेड की जाती,
ऐसा माना जाता था कि एक व्यक्ति के पास जितने अधिक गुलाम होंगे उनका उतना ही कद बढ़ जाए, उन्हें उतना ही धनी माना जाए। तो ये प्रचलन था उस समय। अपने स्वामियों की संपत्ति समझे जाने वाले जो गुलाम थे वो लड़कों के साथ अक्सर शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार सहित क्षणिक व्यवहार किया करते। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जबकि दासता को जो रोमन सभ्यता के एक तत्व के रूप में बड़े पैमाने पर स्वीकृत किया गया था, सभी लोग गुलामों को रोमनों के साथ कठोर सख्त व्यवहार सहमत नहीं थे। अगर इसमें बात की जाए तो दार्शनिक सेनाका ने तर्क दिया कि प्राचीन रोम में गुलाम लोगों के साथ सम्मानता पूर्वक व्यवहार व्यवहार जो है वो किया जाना चाहिए, लेकिन गुलाम बनाए गए रोमन लोग रोमन समाज के लगभग सभी क्षेत्रों में काम करते थे, कृषि से लेकर के घरेलू सेवा तक सब में वो अपना हाथ था, सब में काम करते थे, उन्हीं का ही पूरा योगदान होता था, सबसे ज्यादा उन पर पूर्णता होती थी। कोई भी काम अगर उनसे बिगड़ जाता था तो उन्हें मृत्यु दंड तक दिया जाता है। जहाँ मौत का जोखिम बहुत ज्यादा था वहाँ अक्सर जहरीला होता था, स्थितियाँ बहुत खराब होती थी, उन जगहों पर उन्हें लगाया जाता है। कृषि कार्य में भी इसी तरह से उन्हें लगाया जाता था। इतिहास में फिलिप मेटसर्ज के अनुसार कृषि सेवकों को किसानों द्वारा पशुधन के हिसाब के माना जाता था और उन्हें एक तरह से उन्हें पशु ही समझा जाता था। जितना अधिकार पशुओं को दिया जाता है उतना ही इंसानों को भी था। दासों पशुओं के हिस्से के रूप में उन्हें माना जाता था और उन्हें उतनी दया दी जाती थी जितनी कि एक मवेशी भेड़ियों और बकरियों को दी जाती है, उतने ही उन दासों को दासियों को दी जाती है। महिला हो पुरुष हो बच्चे सब एक ही तरह से होते। घरेलू स्थितियों में गुलाम रोमन जो महिलाएं थी सफाई करने के साथ रखेल की भूमिका रखेल बना करके रखा जाता, विषय बना दिया जाता, बाजारों में बेच जाता था, विषय बना करके इस तरह से गुलाम महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ ऐसा किया। जो पढ़े लिखे होते थे थोड़ी शिक्षित होते थे गुलाम, उन बच्चों को थोड़ी सी अच्छी प्रभावशाली जगहों में रखा जाता था, लेखन के कार में लगाया जाता था। गुलाम रोमनों के लिए कुछ काम सम्मान कर्तव्य के भी थे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो मेनोक्लेक्टर अपने मालिक को पार्टी में मिलने वाले हर व्यक्ति का नाम बताता था ताकि भूले हुए शेषक के शर्मन के बच सके वो और कैल्विन से शाही रानी का एक प्रेक्टेस्टर खाना चखने का एक समान जो कि खाना बनता था और उसे वो चख करके करता था कि रोमन सम्राट जो है जो सम्राट है वो उसका खाना चखा फिर भी गुलाम बनाए गए। अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वे पहचान योग्य कपड़े पहने। सेने में एक बार इस बात पर भी बहस की थी कि प्राचीन रोम में गुलाम बनाए गए लोगों को कपड़ों का कोई खास सम्मान दिया जाना चाहिए। सुझावों को इस आधार पर खारिज किया गया कि अगर दासों को पता चल जाए कि रोम में कितने गुलाम हैं तो वो एकजुट हो जाएंगे और उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, विद्रोह कर देंगे। तो इस तरह से सरकारी इस तरह से सम्राट सोचते थे और इस तरह से दासों को रखा जाता था कि उनकी कोई अपनी पहचान भी नहीं, कोई ड्रेस नहीं होता था, कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्हें डर था कि सब इकट्ठा होकर के गुलाम विद्रोह न करते राजा के खिलाफ। प्राचीन रोम में गुलामों के लिए एक वैध तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त करना भी एक संभावना थी। मुक्ति प्रक्रिया जो थी उसके बारे द्वारा एक स्वामी किसी गुलाम व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता प्रदान कर सकता अगर वो चाहता था अपने मन में तो शायद बेच सकता था। यदि औपचारिक रूप से वो उसका पालन किया जाता है तो उसके उस व्यक्ति को पूर्ण रोमन नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अगर उसका मालिक चाहे तो वो उसे स्वतंत्र कर सकता है, अधिकार उसके मालिक। अब मालिक भले कौन चाहेगा कि इसे गुलाम को मुक्त दास, जिन्हें की अक्सर मुक्त पुरुष या मुक्त महिलाएं कहा जाता है,
मुकाम करने के लिए उन्हें अनुमति दी, हालांकि उन्हें सार्वजनिक पदों पर वंचित रखा गया। उन्हें कभी भी अत्यधिक कलंकित किया जाता था और का अपमान बाहर इन सब का सामना करना पड़ता था, उन्हें सहना पड़ता था, क्योंकि एक बार गुलाम जो है वो स्वतंत्र हो भी गया तो भी उसका जीवन या उसकी जो पीढ़ियां हैं उन्हें गुलाम ही समझा जाता था या एक थप्पड़ लग जाता था गुलाम। जैसे कि मैंने कहा कि रोमन प्राचीन रोम में महिलाओं की दशा जो बहुत ही भयावह, बच्चों की दशा बहुत ही भयावह थी, उनकी मंडियां लगती थी, उन्हें बेचा जाता था। यहाँ तक कि जो पैसे वाली रोम में महिलाएं खानदानी महिलाएं पैसे वाली महिलाएं उनका जीवन बेहतर था, लेकिन उन्हें भी इतना अधिकार नहीं था कि वो वोट दे सके या कोई भी निर्णय ले सके, वो शासन चला सके, शासन कर सके, राज्य तो ये अधिकार उन्हें बिल्कुल नहीं था, पुरुषों को ही था। अगले वीडियो में और भी विस्तार से प्रचलित रोम के बारे में बात करूंगी। वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगी।